कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद यूपी में भू माफियाओं को गलतफहमी हो गई। लोगों को लगने लगा कि सीएम योगी का बुलडोजर थम गया है, लेकिन आज ये गलतफहमी फिर से दूर हो गई। दरअसल योगी का बुलडोजर चला और पूरी ताकत से चला। सरकारी जमीनों पर बने अवैध निर्माणों को धराशायी कर दिया गया। यूपी के 3 शहरों पर हुए जबरदस्त बुलडोजर एक्शन की रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यूपी में हवा उड़ाई गई कि बुलडोजर पर ब्रेक लग गया। सोशल मीडिया पर भड़ास गैंग ने मुहिम छेड़ दी, बाबा का बुलडोजर थम गया। लेकिन अब पीले पंजे के ज्वार को देखकर गलतफहमी पालने वालों का दिल बैठ गया होगा। यूपी में बुलडोजर चल भी रहा है और अवैध निर्माण गिराए भी जा रहे हैं। ये बहराइच की तस्वीर है, जहां पीले पंजे ने सिस्टम और भू माफियाओं के गठजोड़ से बने अवैध घरों को मिट्टी में मिला दिया। बहराइच प्रशासन ने करीब करीब 23 मकानों को गिराया है। प्रशासन का ये एक्शन कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। तो ये गाटा संख्या 92 और 211 और 212 रोड में आता है, जिसकी लंबाई 30 मीटर की है। उसी पर आज से 40 वर्षों पहले मकानात और कुछ दुकानात बने थे। अब प्रशासन की तरफ से एक नोटिस आई है, उसी के क्रम में ये लगभग गिराया जा रहा है। दरअसल सुनियोजित साजिश के तहत भू माफियाओं ने धीरे धीरे सरकारी खाता में दर्ज खलिहान यानी खेती की जमीन और रास्तों पर कब्जा करना शुरू किया। किसी ने पक्का तो किसी ने फूस की झोपड़ी बना ली। प्रशासन का दावा है कि 129 से ज्यादा लोग यहां बस गए और धीरे धीरे पूरे का पूरा मोहल्ला बसा लिया गया। सैकड़ों दुकानें बना ली गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ का आलम किस तरीके से, लोग किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ पुलिस बल की भी मौजूदगी में यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकानें बंद है। अभी तक जो मामला निकल कर सामने आया है कि हाईकोर्ट में यह मामला चल रहा था और ये यहाँ पर बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण कर यहाँ दुकानें और मकान का निर्माण कराया गया था, जिसको लेकर के हाईकोर्ट के निर्देश पर अब यहाँ जिला प्रशासन का सख्त एक्शन हुआ है और जिला प्रशासन यहाँ पर 4-4 बुलडोजर चलवा करके यहाँ पर के अवैध अतिक्रमण को धराशायी करवा रहा है। मामला कई साल तक कोर्ट में चला, इसके बाद फैसला आया और निर्माण को अवैध मानते हुए गिराने का आदेश हो गया। हालांकि मोहल्ले वाले नई थ्योरी दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो सभी 50 सालों से मकान बनाकर यहाँ रह रहे हैं। प्रशासन बोल दिए हैं कि इसको तोड़ेंगे, कल 4 बजे बोल दिए थे कि 5 बजे तक मैं आऊँ, यहाँ पे सब साफ कर दीजिएगा, खाली कर दीजिएगा। अब लोग जो है वो कहाँ जाए, कहाँ रखें, कहाँ घाम में रहें, बिरवा नीचे रहें, कहाँ रहेंगे। पुलिस को अंदेशा था बुलडोजर एक्शन के वक्त बवाल मच सकता है, लिहाजा भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। मौके पर PSC के जवान भी तैनात थे। बहराइच समेत यूपी के कई शहरों पर बुलडोजर पूरे एक्शन में। यूपी बांदा कानपुर हाईवे चौड़ीकरण की जद में आए 20 अवैध मकानों को गिरा दिया गया। करीब 131 मकानों और दुकान पर प्रशासन ने लाल पेंट लगाया, यानी ये कभी भी गिराए जा सकते हैं। यूपी के फरुखाबाद में प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा तो JCB गैंग के ग्रामीण और बच्चे खड़े हो। ग्रामीणों को खदेड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुराना मामला ये है कि जमीन जो है वो हमारी पुरानी है, बाप दादे की, उसमें मैंने मकान बना रखा है और मकान बनाते समय कोई भी लोजर नहीं हुई थी, बाद में लोजर सब आई सामने। अच्छा, आपको बाद में 1 साल हुई लवा साम, तब से हमारी फाइल भी कोर्ट में पड़ी है, निरस्त हो चुकी, फिर सिविल कोर्ट से पड़ी है। एक बार आए थे तो हमने उधर आए थे, व्यापार इधर नहीं आए थे, ना नोटिस आओ थे इधर लगे, तो उधर दोबारा लगे। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर कोई रोक नहीं लगाई थी, लिहाजा पीले पंजों ने भू माफियाओं की कमर तोड़ने वाला एक्शन ले लिया। सोशल मीडिया पर योगी के बुलडोजर को लेकर भ्रम फैलाने वालों का सारा खेल धरा का भरा रहा। बहराइच से राजीव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।